नमस्कार, मैं हूं साहब अली और आप देख रहे हैं livecity.in। गया में हुए गैंगरेप को लेकर के आज जन अधिकार पार्टी ने गया बंद का आह्वान किया है। आपको बता दें कि सोमवार देर शाम में भी मशाल जुलूस निकाल करके लोगों से समर्थन की अपील की गई। आप आपको बता दें, गया में जो गैंगरेप हुआ था उसको लेकर के बिहार पुलिस की जांच अभी चल ही रही है। इस बीच आज गया में जो बंद का आह्वान किया गया है उसमें जाप की जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक पप्पू यादव और मधेपुरा सांसद भी है, वो आज सड़क पर होंगे, नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। बहुत गलत, ये रवैया ठीक नहीं है। जब 164 का बयान हो गया उसके बाद आप डायवर्सन कर रहे हैं, आप डायवर्ट कर रहे हैं और उसके बाद पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगी और पॉलिटिशियन न्याय कर राजनीति कर रहा है, दोनों पक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष और सत्ता पक्ष। इसीलिए आज पूरे बिहार के बेटियों का सवाल है, हम बेगर बेटी और माँ की इज्जत के कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बेटी पढ़ाए, ये आंदोलन 7 जुलाई को बिहार बंद करने जा रहे हैं। 25 तारीख से हम लोग हस्ताक्षर अभियान करेंगे और पूरे बिहार में 7 जुलाई बंद करके हम इस देश में दस्तक देंगे कि बिहार बेटियों के सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। आपको बता दें, गया बंद को लेकर के पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरे गया शहर समेत पूरे जिले में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ दंगा निरोधक दस्ता मतलब RAF की जो टीमें हैं उनको भी लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि पुलिस ने जिस तरह से इंतजाम किए हैं उससे तो यही लग रहा है कि पप्पू यादव की जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी, वो काफ़ी उग्र प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें कि गया में पिछले दिनों गैंगरेप हुआ था। दरअसल एक डॉक्टर थे, वो कहीं से अपनी बाइक पर जा रहे थे, उसी दौरान तकरीबन दर्जनों की संख्या में लोगों ने उन्हें बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट की, उसके बाद उनकी पत्नी और उनकी बेटी के साथ गैंगरेप की इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत काफ़ी गर्मा गई। इस मामले में आपको बता दें कि RJD आज अपनी जांच रिपोर्ट भी पेश करने वाला है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही पप्पू यादव ने इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी जोर शोर से आंदोलन करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो गिरती जा रही है, इसको लेकर के आज गया बंद का आह्वान किया गया है। गया में हालात कैसे होंगे इसके बारे में आपको आगे भी जानकारी देंगे। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर लाइक करें ताकि आप अपडेट्स के साथ बने रह सकें।